हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके टुडे। इस पर्टिकुलर सेशन में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है व्हाट इज डीआरडीओस कंट्रोल्ड एरियल डिलीवरी सिस्टम, अ वेरी इंपॉर्टेंट वन जो कि न्यूज में भी है। तो इसको अच्छे से समझते हैं कि ये कंट्रोल्ड एरियल डिलीवरी सिस्टम क्या है, ये CADS 500 क्या है, ये ADRD इससे कैसे एसोसिएटेड है, तो ये सब चीजें इसके बारे में जानेंगे। तो देखो, पहले मैं आपके लिए न्यूज पढ़ देती हूँ। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको सब आप DRDO के नाम से जानते हो, इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया ये एक सिस्टम, कंट्रोल्ड एरियल डिलीवरी सिस्टम, कब? 19th of December 2021 को। तो बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं, एक सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं, तो कंट्रोल्ड एरियल डिलीवरी सिस्टम के अंदर क्या हुआ, अगर आप ये देखते हो ना, ये एक पैराशूट दिख रहा है। इस पैराशूट में एक 500 kg तक की कैपेसिटी, एक ऐसा सिस्टम एरियल डिलीवरी, जैसे आपके पास डोर टू डोर डिलीवरी होती है, घर आते हैं आपको जो भी डिलीवरी चाहिए आपको एट योर डोर स्टेप मिलती है ना, डिलीवरी तो यही है ना। एरियल डिलीवरी क्या है? जब आप थ्रू पैराशूट, एक ऐसा सिस्टम जब आप कोई 500 kg तक का कैपेसिटी का जो लोड है उसको थ्रू एरियल डिलीवरी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सको, यही मतलब होता है। साथ ही साथ आपको प्रॉपर वहां पर GPS लोकेशन पता होनी चाहिए, प्रॉपरली कंट्रोल्ड होना चाहिए वो, तो ये सब चीजें आती हैं इसके अंदर। एक बेसिक सा आपको ना एक आउटलुक मिल गया होगा, ताकि अब जब मैं आपको पढ़ाऊंगी ना तो चीजें बहुत जल्दी समझ आने लगेंगी, राइट? तो देखो, फ्लाइट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ कंट्रोल्ड एरियल डिलीवरी सिस्टम, इसको डेमोन्स्ट्रेट किया गया बाय ADRDE, एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट। तो इसके बारे में भी हम अच्छे से जानेंगे कि ये कैसी बॉडी है, कैसी क्या करती है, क्या इसका रोल है। अब ये सिस्टम के अंदर 500 kg कैपेसिटी का, अगर आप ये देखोगे, लोड ये ले सकता है और चीज़ों को इधर से उधर मूव कर सकता है। ये पैराशूट जैसे आप देख रहे हो इसके थ्रू हुआ, और ये जो सीरीज है पूरी की पूरी इन एक्टिविटीज की, इनको ऑर्गेनाइज किया गया टू सेलिब्रेट आज़ादी का अमृत महोत्सव, और साथ ही साथ ये जो पूरी सिस्टम की परफॉर्मेंस थी इसको डेमोन्स्ट्रेट किया गया एट ड्रॉप जोन मालपुरा। एक एल्टीट्यूड देखो तो 5000 मीटर का एक एल्टीट्यूड रहा है, और यहां पर इस सिस्टम ने, इट वाज पैराड्रॉप, मतलब अगर आप ये देख सकते हो तो ये पैराशूट की हेल्प से लिया गया फ्रॉम AN-32 एयरक्राफ्ट, और उसके बाद आप जो भी आपकी डेजिग्नेटेड साइट है, कहां पर आप इसको रखना चाहते हो, कंप्लीट करना चाहते हो, लैंडिंग पॉइंट क्या है, वो प्री डेजिग्नेटेड था, ऑटोनोमस मोड में है, आप ऑब्वियसली आप उसको कंट्रोल करोगे, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जैसे GPS में होता है, तो सब कुछ वहां पर रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं आपसे ये CDS 500, आप बार बार ये टर्म देख रहे हो तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। देखो, CADS 500, ऑब्वियसली इट इज यूज टू डिलीवर द पेलोड, ये यूज किया जाता है ताकि आप अपने पेलोड को, जिसकी कैपेसिटी 500 kg तक की होगी, आप उसको प्रिसाइजली अपने लोकेशन पर बेसिकली डिलीवर कर सको, ठीक है। तो यहां पर इट मेक्स यूज ऑफ दी मैन्यूवरेबल कैपेबिलिटीज ऑफ राम एयर पैराशूट टू कंडक्ट सच एक्टिविटीज प्रॉपर, जैसे मैंने आपको बताया ना, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यूज होगा, GPS की फैसिलिटीज यूज होंगी ताकि आपको कोऑर्डिनेट मिल सकें, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पता चलेगा तभी तो उसको रखोगे, ठीक है, और एक प्रॉपर एल्टीट्यूड पे, और सेंसर्स लगे होंगे ताकि आपको इन्फॉर्मेशन उस फ्लाइट की पूरी मिलती रहे, इलेक्ट्रॉनिक यूनिट्स होंगी इस CADS के अंदर, ऑटोनोमस जो स्टीयर पाथ ऑफ द फ्लाइट, जो ये पाथ ले रहा है वो भी प्रॉपर ऑटोनोमस होगा, आपके अंडर कंट्रोल में होगा, और प्रॉपर नेविगेशन को टारगेट लोकेशन पर लेके आना, सब कुछ ये कंडक्ट किया जाएगा बाय ऑपरेटिंग कंट्रोल्स, ठीक है। तो 500 केजी तक की कैपेसिटी में आप इसको डिलीवर कर रहे हो और टू दी लोकेशन यूजिंग दी पैराशूट, राइट। ADRDE के बारे में अगर बताऊं तो इसको ADRDE बोला जाता है, वैसे ये इंडियन DRDO की एक लेबोरेटरी है जिसका नाम एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट है। कहाँ पर है? आगरा के अंदर है, UP में। इसका काम क्या है, ये क्या करती है, रिसर्च स्कोप ऑफ ADRDE इसके अंदर आता है कि ड्रॉपिंग, हैवी लोड्स को कैसे ड्रॉप कर सकते हो टारगेट्स पे, पैराशूट्स के बारे में, एरोस्टैट्स, एयरक्राफ्ट बैरियर्स, इन सब के बारे में ये बेसिकली इनका रिसर्च रहती है। और साथ ही साथ रीसेंट टाइम्स में जो इन्होंने इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स अंडरटेक किए वो कौन कौन से थे, आर्मामेंट डिलीवरी पैराशूट, बैलून बैरेज एंड सर्विलियंस सिस्टम, स्पेस रिकवरी पैराशूट, एयरशिप्स एंड रिलेटेड एप्लीकेशंस। तो यहां पर मैंने आपको कंप्लीट इस टॉपिक के बारे में समझा दिया है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ आ गया होगा।